जो भी चाहिए Z5 ऐप पर, बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। मोहिनी ने तो पूरी कोशिश की थी आपको जान से मारने की, शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तब से लेके आज तक आप हम सबके साथ यहाँ हैं, सबकी नजरों से दूर। मैंने तो लगा था कि आपको कभी होश ही ना आवेगा, लेकिन हमें पूरा यकीन था कि आप जरूर उठे। माता रानी हमारी पुकार को कभी भी अनसुना नहीं करेगी। ज्योतिष जी, वनराज, मेरी जान बचाकर आप दोनों ने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे राम को हो क्या गया है। अपनी बुरी नजर से उस चुड़ैल ने कुंवर साहब को हैवान बना दिया है। कुंवरानी साहब, मारी मैया, राम डुबाए थारी नैया। आए दिन वो राक्षस गांव से छोरियों को उठा कर लेकर जाते हैं, जिनमें से कोई भी छोरी वापस लौट कर ना आई। उस दिन भी एक लड़की का पीछा करते करते वो रावण यहाँ तक आया था, जब उसकी नजर आप पर पड़ी। नहीं राजज्योतिष जी, मेरे राम को अपनी हदें अपनी मर्यादाएं पता है, वो ये सब खुद नहीं कर रहे हैं राजज्योतिष जी, बल्कि वो मोहिनी उससे ये सब करवा रही है। वो तो है कुंवरानी साहब, लेकिन मोहिनी का आतंक इतना ज्यादा है इस वक्त कि लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं बल्कि भगवान पे भी बहुत अत्याचार किया है उसने। मतलब रामगढ़ के सारे मंदिरों को बंद कर दिया उसने, यहाँ तक के महल के बाहर वाले मंदिर को भी ताला लगा के रखा है उसने। पूरे बहरामगढ़ में कोई भी भगवान का नाम भी नहीं ले सकता और ना तो पूजा पाठ कर सकता है, और यदि कोई पूजा पाठ करते हुए पकड़ा भी गया तो उसे जान से मार डालते हैं। और राम ही सब होने दे रहा है, सारे के सारे आतंक का राजकुमार आपका राम ही तो है। नहीं, नहीं राजज्योतिष जी, मेरा राम ऐसा नहीं कर सकता। उस मोहिनी ने राम को कुछ कर दिया है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। हमें राम को बचाना होगा राजज्योतिष जी, कोई तो तरीका होगा मेरे राम को बचाने का। वही जो पहले किया था, व्रत, पूजा पाठ, होम हवन। पिछली बार देवी माँ ने आपकी पुकार को सुना था कुंवरानी साहब, अब भी देवी माँ आपकी मदद के लिए जरूर आएगी।